أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم friends today we are going to discuss about the themes of geography so first of all हम ये पढ़ेंगे कि what is theme theme क्या होती है the theme is the subject of talk piece of writing exhibition etc now let's come towards the themes of geography there are five themes of geography location place movement region ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप लोकेशन लोकेशन हमें क्या बताती है वेयर आर वी के दुनिया में एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से कहाँ पर रिलेशन में है इट टेल्स यू वेयर वन थिंग इज इन रिलेशन टू अनदर और लोकेशन बताने के दो तरीके होते हैं द एब्सोल्यूट लोकेशन एंड द रिलेटिव लोकेशन एब्सोल्यूट लोकेशन में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपना लोकेशन एक्सप्लेन करते हैं अपनी और रिलेटिव लोकेशन में हम कोई भी नियर बाय प्लेस का बता देते हैं और उससे हम अपनी लोकेशन को एक्सप्लेन करते हैं देन प्लेस व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट नाउ इट टेल्स यू व्हाट अ लोकेशन इज लाइक प्लेसेस हैव ह्यूमन एंड फिजिकल फीचर्स ऑल प्लेसेस हैव फीचर्स दैट गिव देम पर्सनैलिटी एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर प्लेसेस प्लेसेस कैन चेंज जिस तरह से दुनिया में दो लोकेशंस एक जैसी नहीं हो सकती इसी तरह दो प्लेसेस भी दुनिया में एक जैसी नहीं हो सकती तमाम प्लेसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं अब हम बात करते हैं मूवमेंट की कि हाउ डू पीपल गुड एंड आइडियाज़ गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूवमेंट मीन्स चेंज द स्टडी ऑफ मूवमेंट शोज हाउ पीपल एंड गुड ट्रैवल इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ पीपल ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड यानी लोग और चीज़ें जो हैं वो किस तरह से एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं मूव करती हैं इसे हम मूवमेंट में डिस्कस करते हैं और वी कैन से कम्युनिकेशन सर्कुलेशन माइग्रेशन एंड डिफ्यूजन अक्रॉस अर्थ सरफेस रिप्रेजेंट मूवमेंट इन आवर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड नाउ रीजन व्हाट इज रीजन व्हाट मेक्स एन एरिया लाइक अनदर एरिया A region is an area defined by uniform characteristic. यानी कोई भी region जो है वो हम ऐसे area को कहेंगे जो uniform characteristics की बुनियाद पर पहचाना जाए The earth is divided into regions. A region is an area that has the same features. These features can be similar plant life or the same geographic area or the people in a region may have the same religion or speak the same language. Life in a mountain region is very different from a life in valley. By comparing regions, you can see how they are alike or different. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो regions हैं ये physical features की बुनियाद पर भी बन सकते हैं और cultural features की बुनियाद पर भी बन सकते हैं Like geographic areas के हिसाब से और religion और languages के हिसाब से भी ये फॉर्म हो सकते हैं और उसके बाद हम इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करने से हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये जो रीजन्स हैं ये एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं नाउ ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप में हम बात करेंगे हाउ डू पीपल एंड द एनवायरनमेंट अफेक्ट ईच अदर ये सब हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था दिस थीम लुक्स At how people interact with their environment, people use their environment in different ways. Human environment connections include resource exploration, hazard, precipitation and environmental pollution and modification. ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि humans का जो है वो environment पर किस तरह से असर होता है और environment का लोगों पर किस तरह से असर होता है फिर जो environment में रिसोर्सेज मौजूद होती हैं ह्यूमंस का उन्हें यूटिलाइज़ करना वो सब तरीका और उससे हमारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ना ये सब जो है हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं और ये ह्यूमन अर्थ रिलेशनशिप में इंक्लूड होता है